पाकिस्तान इस बीमारी का मुकाबला कर सकता है। बिलावल पुराजम वफाकी हुकूमत को सोच में तब्दीली लाने का मशवरा देते हुए कहा कि वफाक और सूबों को तनकीद और पॉइंट स्कोरिंग की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों की जानों और मईशत को बचाए, हमें दोनों महाजों पर जंग लड़ना पड़ेगी। वायरस की तशखीस के लिए ज्यादा टेस्टिंग की अप्रोच अपनाई जाए। गरीब तबकात को यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत आपको संभालेगी, राशन देगी, मुलाजमीन के गैर हाजिर होने पर भी पूरी तनख्वाह देने की हिदायत दे दी। कहा मौजूदा हालात में मिलकर काम करना होगा। कोई डरने की वजह नहीं है, कोई खौफ ज्यादा होने की वजह नहीं है, हमने मिलके इसके मुकाबला करना है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो वफाकी हुकूमत है वो अपना अप्रोच में थोड़ा सा तब्दीली लेकर आए, और जो आइसोलेशन है और कंटेनमेंट है और ज़्यादा टेस्टिंग्स का सिलसिला है वो इसकी तरफ वो अप्रोच अपनाया जाए। अगर हुकूमत वफाकी हुकूमत हमारे साथ मिल के इसकी तरफ जितना हम जा सके वो हम कोशिश करें, इन इकदामात के इस बीमारी की वजह से जिन पर असर होगा उनके लिए भी हमें ठोस इकदाम उठाना पड़ेगा कि ये हुकूमत सिंध का जिम्मेदारी है। हम आपको संभालेंगे, हम आप तक खाना पहुंचाएंगे, राशन पहुंचाएंगे, जिनके पास ज्यादा है वो हमें मदद करे ताकि हम उनके घर तक खाना पहुंचा सके। इट शुड नॉट बी अलाउड टू फायर एनी डेली वेज वर्कर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये एक दो महाज का जंग होने वाला है। एक, हमने वायरस का मुकाबला करना है और वो होगा जरूर। दूसरा, हमने जो हमारा मीशत के साथ हशर होने वाला है इस वायरस की वजह से उसके बारे में भी वफाक को ठोस इकदाम लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं अपना मीशत को संभालने के लिए। प्लान किया था हमने एक इमरजेंसी फंड बनाया, कोरोना इमरजेंसी फंड, और इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसमें 3 अरब रुपए जमा हो चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट ने मैनेज किए हैं वो 3 अरब रुपए, कुछ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयज और बाकी गवर्नमेंट ने।